स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री वैक्सीन की ऐलान से अब कांग्रेस का टूलकिट गैंग बौखला गया है। राजदीप सरदेसाई से लेकर तमाम लिबरल पत्रकार एक बार फिर से ट्विटर पर एक्टिव हो गए हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की राजनीति को करारा जवाब दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन के बाद अब टूलकिट गैंग एक बार फिर से एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। और सबसे आगे हैं पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जो अभी तक ये वकालत कर रहे हैं कि दरअसल राज्य को वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी सौंपी जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद अब राजदीप सरदेसाई बदलते नजर आ रहे हैं, सुर बदल चुके हैं। और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार ने विपक्षी राज्य सरकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की प्रमुख मांग को स्वीकार कर लिया है। केंद्र सभी टीकों की खरीद करेगा और राज्यों को बांटेगा, वितरित करेगा मुफ्त में। ये राजदीप सरदेसाई की ओर से ट्वीट आया है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस का पूरा टूलकिट गैंग है जो लगातार वैक्सीन को लेकर सियासत कर रहा था। ना सिर्फ राजदीप सरदेसाई बल्कि तमाम ऐसे लिबरल पत्रकार हैं, फिर चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, सागरिका घोष हो या स्वाति चतुर्वेदी हो, तमाम लोगों के ट्वीट एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला दिया जा रहा है कि दरअसल प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की ओर से फ्री वैक्सीनेशन का जो घोषणा हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद की गई है। केंद्र सरकार देर आई दुरुस्त आई, इस तरीके के ट्वीट लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान पर केंद्र का क्या रोडमैप है, इसको लेकर तमाम जानकारी दी। केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी जैसे नेताओं को बड़ा झटका देते हुए प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि दरअसल अब से केंद्र सरकार देश में वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी संभालेगी। फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा केंद्र सरकार की ओर से कर दी गई। 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों के लिए अब वैक्सीनेशन केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा मुफ्त में, यह बड़ी घोषणा कर दी। और जाहिर तौर पर इसी के साथ तमाम विपक्षी पार्टियों की जो वैक्सीनेशन राजनीति है उसको बड़ा झटका लगा है। और यही वजह है कि अब बौखलाहट इस तरीके से सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री के इस संबोधन के बाद कांग्रेस पार्टी से लेकर अब आम आदमी पार्टी तक के नेता लगातार ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसको लेकर भी राजनीति चरम सीमा पर है। फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, राघव चड्ढा हो या तमाम लिबरल पत्रकार हो, देश विरोधी तमाम लोग अब ट्विटर पर एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। आपको बता दें, ना सिर्फ राजदीप सरदेसाई बल्कि पुण्य प्रसून वाजपेयी का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि पैसा जनता का, पैसा टैक्सपेयर का, 32 मिनट मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन। तो ये तंज केंद्र सरकार पर कसा गया है। लेकिन वही कुछ लिबरल पत्रकार ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण था, जो संबोधन था, जो हिंदी में दिया गया था, उस पर भी तंज कसते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल ये जो संबोधन था ये दूसरी भाषाओं में भी होना चाहिए। तो जब कुछ नहीं बचा है तो इस तरीके से केंद्र पर निशाना साधने की ये तमाम कोशिशें अभी भी उस लिबरल गैंग की ओर से की जा रही है। और लगातार एक के बाद एक उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं। फिर चाहे शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी हो, उनका ट्वीट भी सामने आया है। कहना है कि केंद्र की जो नीति है वो पूरी तरीके से मनमानी और तर्कहीन है। आपको बता दें, जब सरकार की ओर से वैक्सीनेशन अभियान को इसमें तेजी लाने की कोशिश की गई तो तमाम राज्य सरकारें, खासतौर पर दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो या राहुल गांधी हो, इनकी ओर से यह मांग की गई कि दरअसल वैक्सीनेशन की जो जिम्मेदारी है, जो कोरोना से जुड़ी, चाहे फिर लॉकडाउन को लेकर हो, वो तमाम जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार को सौंपनी चाहिए, जिसके बाद वो केंद्र ने जो 25% जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों को सौंपी, लेकिन पूरी तरीके से राज्य सरकार विफल रही और इसकी बानगी हमने राजस्थान और पंजाब जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में देखी कि किस तरीके से वैक्सीन की भारी बर्बादी वहां की गई, वैक्सीन गड्ढों में मिली, वैक्सीन की डोज को बर्बाद किया गया। इतना ही नहीं,
नहीं, भ्रष्टाचार वैक्सीन में किया गया, प्राइवेट अस्पतालों को बेचा गया और उसमें मुनाफा कमाने की कोशिश की गई। और यही तमाम वजह रही है कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर से इस पर संज्ञान लेते हुए ये मुफ्त वैक्सीनेशन की घोषणा करते हुए ये कहा है कि अब 75% जो वैक्सीन है वो केंद्र सरकार तमाम जो वैक्सीन उत्पादन कंपनियां हैं उनसे खरीदेगी और राज्य सरकार को देगी, जिसके बाद ये तमाम अब बयान जो है ये सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी नेताओं के ये ट्वीट सामने आ रहे हैं, इस पर बीजेपी भी पलटवार करती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ही ये परिणाम है कि देश के किसी भी राज्य सरकार को अब कोविड वैक्सीन जो है उस पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा और सभी देशवासियों को भारत सरकार की ओर से अब निःशुल्क वैक्सीन मिलेगी। ये जनहितकारी फैसला है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया गया है उनकी तरफ से। इस पर आपको बता दें प्रोफेसर राकेश सिन्हा का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को टैग करते हुए यह लिखा है कि वैक्सीन फ्री लेंगे या निजी अस्पतालों में, अब इसका सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब राहुल गांधी और विपक्ष में बोलने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि जाहिर तौर पर विपक्ष इसको लेकर सियासत करता आया है। वैक्सीन पर राजनीति चरम पर थी, केंद्र को घेरने की पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था, किस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा सके, इसको लेकर कांग्रेस की टूलकिट लगातार काम कर रही थी और उसमें तमाम जो लिबरल पत्रकार थे वो कांग्रेस का साथ देते नजर आ रहे थे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे जैसे नेता एक ही स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे और यही वजह है कि अब विपक्ष की जो ये वैक्सीन राजनीति है इसे बड़ा झटका देते हुए तमाम तरीके से जो दुकान कहीं ना कहीं इन लोगों की चल रही थी उसे अब केंद्र की ओर से बंद किया गया है और वैक्सीन पर एक सीधा रोड मैप केंद्र सरकार की ओर से दे दिया गया है कि अब केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदकर राज्यों को देगी और वो निःशुल्क लोगों को लगेगी। इसके अलावा आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का आभार जताया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिवाली तक बढ़ाया गया है उसको लेकर भी उन्होंने मुफ्त राशन देने की जो घोषणा केंद्र सरकार की ओर से की गई है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि कोरोना से जंग जीतने में यह मददगार साबित होगा। तो लगातार जो ट्वीट है वो सामने आ रहे हैं, बयान लगातार सामने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का आभार जो तमाम बीजेपी शासित राज्य हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो जता रहे हैं क्योंकि एक बड़ी घोषणा केंद्र सरकार की ओर से की गई है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी सरकार से लेकर जिस तरीके से गहलोत सरकार के पास बोलने को कुछ नहीं बचा है तो मनीष सिसोदिया उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए ये कहा गया है कि दरअसल वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके दखल के बाद देश भर में हर उम्र हर वर्ग के लोगों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले ये कर सकती थी, लेकिन केंद्र की नीतियों के चलते ना राज्य वैक्सीन खरीद पा रहे थे और ना ही केंद्र सरकार दे पा रही थी। तो कितनी घटिया सियासत अभी भी तमाम विपक्षी दलों की तरफ से जारी है ये साफ तौर पर अब उनके बयान बता रहे हैं, क्योंकि यही तमाम राज्य थे जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि दरअसल जो जिम्मेदारी है वो राज्यों को सौंपी जाए, राज्य कोविड को लेकर खुद प्रबंधन करें और जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो इस तरीके से इसको लेकर भी सियासत ही सामने आई, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री की ओर से भी किया गया और जाहिर तौर पर यही वजह रही है जो केंद्र ने तमाम जो जिम्मेदारी है वो अब अपने हाथों में ली है और ये बड़ी घोषणा की गई है। तो विपक्ष को भी करारा जवाब प्रधानमंत्री की ओर से दिया था और जाहिर तौर पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल जैसे नेता जो लगातार वैक्सीन को लेकर सियासत कर रहे थे उनकी दुकान भी अब बंद होती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, अगर बात ममता बनर्जी की जाए तो वहां जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उस पर अपनी तस्वीर लगाकर वो लोगों को बांट रही थी। तो ये घटिया सियासत है जो लगातार इस कोरोना महामारी के दौर में वैक्सीनेशन पर की जा रही थी, क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई थी, केंद्र सरकार तमाम राज्यों को वैक्सीन मुहैया करा रही थी। तो यही विपक्ष की
की राजनीति है जिसे आज करारा जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में दिया है और तमाम उन लिबरल पत्रकारों को भी जवाब मिला है जो देश के जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और ये तमाम विपक्ष के नेता जो कांग्रेस की टोल किट की जो स्क्रिप्ट है उस पर काम कर रहे थे उसे आज बड़ा झटका लगा है। और यही वजह है कि ट्विटर पर इस तरीके से लगातार ये बौखलाहट तमाम नेताओं की तमाम लिबरल पत्रकारों की देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।